उकलाना हल्के से निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरी भारतीय उकलाना लगातार मजबूत होती जा रही हैं। उन्हें उकलाना हल्के के हर गांव में बड़ा समर्थन मिल रहा है। गांव के लोग उन्हें पगड़ी पहनाकर अपना नेता बोल रहे हैं और उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उन्हें जिताने का वायदा कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे जन समर्थन के बाद भारतीय उकलाना भी गदगद नजर आ रही हैं और उन्होंने कांग्रेस भाजपा जेजेपी में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। वह प्रतिदिन चाय पानी व जनसंपर्क अभियान चलाकर जेजेपी कांग्रेस और भाजपा में सेंधमारी करके उनके समर्थकों को अपने पाले में लाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन पार्टियों के नेता रुष्ट हैं उन नेताओं को भी भारतीय उकलाना अपने पक्ष में लाने में लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि लगातार मैं आती रही हूँ और आप सब ने मेरा स्वागत बहुत जोर शोर से किया, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगी और हमेशा मैंने स्पष्ट ही कहा, स्पष्ट ही काम करे हैं, स्पष्ट ही बात करी है। सबसे पहले 5 साल हुड्डा सरकार में नरेश सलवाल भाई विधायक था, जो ड्यूटी उसको करनी चाहिए थी, जो उकलाना हल्के के विधानसभा के पूरे जो विकास कार्य जो उसने करने चाहिए थे नहीं किए। हुड्डा सरकार में आप सबके बीच में रह के घर घर आके कोई बता दियो कप्तान झूठ बोल दियो तो घर घर में जाके मेरा वोट का प्रचार नहीं करा। मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, भाइयों मेरे लायक को काम हो तो काम बताओ, मैं काम करूंगी। मैंने सिर्फ काम के लिए प्रचार किया था, भाई काम बताओ मेरे लायक काम करूंगी। घर घर जाके मैंने काम पूछा था, आज तक किसी कैंडिडेट ने पूछा हो मेरे को बता देना, कह रहे तू गलत बोल रहा है। वोट मांगने के टाइम आएंगे, बीच में काम के टाइम कोई नहीं आएगा, कोई काम बता दो जो बगैर वोटिंग के टाइम बीच में आके जो आपने नुकाएगी अब भाई काम करवाओ, काम बताओ। फिर अनुप धानक बना दिया भाई, अनुप धानक ने क्या करा तो बोले सुनो, बोले चल दी कोनी मेरी, चल दी कोनी, सुन लो भाई जाते, बोले चल दी कोनी। अरे वो तो चल ठीक है, तेरी बात मान के भी नहीं चली ऊपर सरकार में। अरे भाईचारे में बैठने के लिए, उठने के लिए, उनके पास जाने के लिए भी सिफारिश चाहिए थी क्या उसको? उसमें लोग कह रहे थे बिना सिफारिश के मतलब पल्ली भाई कौन बैठने जाए, सिफारिश की जरूरत थी उसमें? एक भाईचारा नहीं बनाया गया उससे, और क्या करेगा इससे क्या उम्मीद करते उससे? एक वो आशा के दर उतार दी भाई आप सबके बीच में। आज जो आप सब ने पूरे मेरे समाज ने जो मुझे पगड़ी पराई है, परमात्मा को साक्षी मान के कसम खाती हूँ आपका सिर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। उनका सामने जो आप लोगों का कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनजीओ काम करवा दी है, खुद घर घर आके खुद काम पूछ कर फिर करवा। अगले विधानसभा में मुंह नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी, बहन जी ने वोट देना कि नहीं देना, कहेंगे ना भाई भारतीय बहन जी ने वोट दे दो, यही बात है। दोबारा मेरे को एक बार मौका दे दो, दोबारा वोट नू निकोगे समर्थन बगैर के, बगैर वोट मांगे मेरे को वोट मिल जाएंगे, काम ही ऐसे करेंगे। हमने ऐसा चमकाना हल्का विधानसभा में आप जिता के भेज दो रेलू राम वाली जुकर, जैसे रेलू राम की बोला रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी, तो अब के बार भारतीय उकलाना की भी ऐसी रेल चला दे, उनका भारतीय उकलाना की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी।